और बताओ कैसे हो? आप बढ़िया भाई, बढ़िया। तुम तो सुनाओ बहुत यार, क्या हाल है? अभी कहां पर हो तुम? कैलकटा में हो या यूपी में? यार यूपी आ गया था मैं, न्यूजीलैंड के बाद सीधा हाँ, अभी यार इधर, तुम्हारे घर भी हमको क्योंकि पता नहीं, 3 दिन था कई मैं कई जगहों दिल्ली। पे है तुम्हारे घर अभी। हाँ यार, करम है ऊपर वाले का कि जगह है रहने के लिए। और बताओ कैसे चल रहा है? छोटू कैसी है? भाभी कैसी है? सब बढ़िया, सब मजे में। छोटी बढ़िया। अभी जस्ट खाना खाने बैठी हुई है, अभी तो बातें करने लग और गई होगी वो अभी थोड़े थोड़े। उस काफी बात करती है वो। हाँ, दिन देख रहा था वीडियो, तुम दोनों खेल रहे थे उसके साथ। काफी बातें और करती है, बताओ, काफी खेल कूदती है, टाइम पे सोती नहीं है। टाइम तो सेट नहीं होने वाला लंबे टाइम तक, वो अब उसके मूड के ऊपर है। हाँ, तो कैसे चल रहा है एक्सरसाइज फिटनेस का कुछ? फिटनेस यार अभी देखो बहुत लिमिटेड जगह है हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए। हमारे पास, मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बड़े बड़े घर नहीं है जैसे तुम्हारे पास है वहां पर। नहीं, यहाँ पे तो घर फीस है। तो हमारे पास अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में बैल्कनी है, बैल्कनी में मैं छोटा मोटा जो भी कर सकता हूँ वो कर लेता हूँ। हाँ, क्योंकि और शिखर से भी बात हुई थी बीच में, जैसे वो वीडियो डालता रहता है बीच बीच में कि घर में ही कर रहे हैं हम लोग। टचवुड के मेरे पास तो है जगह, मैं गांव आ गया था तो हो जाता है इजीली, हाँ लेकिन वही मैं कह रहा था, हम लोग विराट से भी उस टाइम बात चल रही थी, मैंने यार बड़ा डिफिकल्ट होगा, जो लोग कम स्पेस वाली जगह में अभी फंसे हुए हैं जो रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। हाँ यार, मतलब खास करके बॉम्बे वाले लोग के लिए। बाकी तो लोग खैर सब बड़े बड़े घरों में रहते हैं तो कोई किसी को दिक्कत तो होगा नहीं, मुझे नहीं लगता हाँ जो भी बॉम्बे वाले हैं। बट मैं वही सोच रहा था कि हाँ जब जब भी क्रिकेट स्टार्ट होगा तो उसके पहले हमें एटलीस्ट 1-1.5 महीने का मौका मिलेगा ट्रेनिंग करने का, प्रैक्टिस करने का, तो शायद बढ़िया रहेगा ना। हाँ, मेरी उससे बात हुई थी यार, अपने आशीष भाई से भी बात हो रही थी, तो वो कह हाँ रहे थे कि कुछ दिन जैसे लॉकडाउन खुलेगा कुछ दिन के लिए हम लोग ट्रेनिंग कैंप लगा लेंगे, साथ में फिटनेस का भी पता चल जाएगा और किसी को कोई इंजरी या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है उसका भी पता चल जाएगा, नेट्स भी हो जाएंगे। हाँ खास करके यार, मतलब हमें यार बैटिंग करने का ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, पता है? क्योंकि कितना होने चाहिए टाइम हो यार। गया यार, 4-5 महीने, 3 महीने तो मुझे ही हो गया अभी, क्योंकि मैं तो पहले ही तुम्हारे पहले ही मैं इंजर्ड होके आ चुका था बॉम्बे में। बट लेकिन फरवरी में मैं इंजर्ड हुआ था स्टार्टिंग में, और अभी तक तो मैंने बैट ही नहीं पकड़ा, तो शायद मुझे लग रहा है अभी और 2-3 महीना लगेगा खेलने के लिए। तो आई थिंक टच वापस आना, टच हमारे वापस को आने थोड़ा के लिए काफी तो चाहिए। हाँ टाइम लगेगा, और बैटिंग स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा तुम लोगों को भी, बॉलिंग डालने के लिए, हम लोगों को बैटिंग करने के लिए। तो नहीं, फास्ट ये बॉलर्स का तो ये होता है ना कि हम लोग ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहे हैं या फिर कोई एक्टिविटी वैसी कर रहे हैं तो रनिंग वाला जो लोअर बॉडी वाला है वो हो जाता है, तो हाँ हमें अब जब हाथ वाला स्किल का थोड़ा सा इम्प्रूव करना होता है तो वो 10-15 दिन में मैनेज हो जाएगा, और जहाँ तक हाँ सवाल बैटिंग का, वो थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके लिए, जैसे अब आप बता रहे हो कि जैसे इंजर्ड के बाद अभी बैट छुआ ही नहीं है, मैंने तो पकड़ा ही नहीं है बैट यार। तो कितना भी अच्छा कोई भी किसी को भी ले लो दिमाग में तो आते ही है कि यार इंजरी के बाद आदमी, एक तो सेम फील आना चाहिए जो इंजरी से पहले था, हाँ और बिल्कुल, फिर हाँ वो दिमाग से इंजरी निकलनी चाहिए, फिर अपने टच में आएगा बंदा, तो हफ्ते उसके दो लिए वही हफ्ते तो नॉर्मल लगती हैं। उसके लिए टाइम चाहिए ना थोड़ा, और कुछ नहीं। हाँ तो मैं तो एग्री हूँ इस बात के लिए कि लॉकडाउन खुलते हम लोगों को अगर बैंगलोर बुला ले, मैं तो एग्री हूँ भाई, अगर आप आ रहे हो तो मैं तो ऑन हूँ। मैं तो जाऊंगा ही, और क्या। अभी यहाँ पे बॉम्बे में मुझे नहीं लगता कुछ होगा, जो भी कुछ होगा उधर ही होगा, बैंगलोर में। हाँ तो वही बेस्ट रहेगा, हम लोग एटलीस्ट अगर कुछ लोग आ भी रहे होंगे कुछ नहीं भी आ रहे होंगे तो हम लोग प्लान वैसे कर लें कि हम लोग चले जाएं उधर। हाँ बट अभी ये
अब ये पता नहीं है, मुझे लगता है काफी लंबा जाएगा यार। दिक्कत तो वही हो रही है, सोच सोच के भी डर लग रहा है कि कितना लंबा जाएगा। अब लोग घर पे हमारा नहीं बैठ रहे यार, बॉम्बे में तो यार लोगों ने पागल करके रखा हुआ है इधर सच में। अब यार कुछ लोग तो पास जो पासिस बनाए हैं उसका भी मिसयूज कर रहे हैं लोग। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो इन्होंने जो पास बनाए थे, जो कर्फ्यू पास बनाए थे, हाँ उसका भी लोग मिसयूज कर रहे हैं यार। इतना मतलब गंदा लगता है लोगों को देख देख के कि यार कम से कम इसका तो मिसयूज मत करो। ये आप पासेस यकीन जो नहीं। भी है यार, ये मतलब इमरजेंसी सर्विस के लिए है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो या फिर तुमको कहीं जाना हो अपने माँ बाप से मिलने, ये वो सब। क्योंकि सारे लोग ना अभी जैसे मैं अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं, तो और वो मेरे मम्मी पापा मेरे भाई 3 जन साथ में हैं, तो मुझे उनको देखने जाना पड़ता है क्योंकि उनके पास वहाँ पे हेल्प नहीं है, हाँ खाने का सामान है या नहीं है वो भी मुझे पता नहीं। तो मैं 25 दिन पहले गया था उनसे मिलने, बट अभी तक मैं उनसे मिल नहीं पाया हूँ, बट फोन पे रोज बात होती है। बट यार फोन पे बट बात होना डर और डर सा सामने से लगता है मिलना यार बहुत क्योंकि वो रहता है। हाँ बिल्कुल, और डर सा लगता है वो यार उनको, मतलब अभी बुजुर्ग लोग हैं तो मदद यार की मेरे जरूरत रहती यहाँ है। सेम सेम मेरी कंडीशन भी वही है, क्योंकि पापा तो एक्सपायर हो गए, मम्मी आना नहीं हाँ चाहती दिल्ली, कि नहीं मैं जहाँ पे हाँ मेरी शादी होके आई है मैं वहीं पे रहूंगी। अब कितना भी बंदे रख दो, कितने भी कैमरे लगा दो, कुछ भी कर दो आप, लेकिन मन वहीं हाँ रहता है, दिमाग में एक इंडिकेट होता ही है कि वो अकेली हैं। अब हम छोटा भाई भी नहीं रहता यहाँ पे, भैया भी नहीं रहते, अब तीनों लड़के तो हम बाहर हैं, दीदी की हाँ शादी हो गई है, तो सेम दिमाग में वही चीज रहती है। मैंने यार एक ना एक तो जाकर मिलके आ जाओ रोज, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं यार कि आदमी की तबीयत खराब ना हो, अकेले रहते हैं, कोई बंदा साथ में रहता है तो उस पर आदमी को ट्रस्ट ही नहीं होता कि हाँ कितना भी केयर कर ले, जो बच्चे केयर कर लेते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो सेम रहता है यार। तो अब क्या प्लान है अब इसके बाद लॉकडाउन के, लॉकडाउन अभी क्या पता यार, जब भी कैसे खत्म टाइम पास हो रहा है होगा। इसके बाद टाइम पास अरे कैसे हो टाइम रहा है? पास, अभी टाइम पास तो मेरा काफी अच्छा हो रहा है एक्चुअली। मैंने अच्छा खासा रूटीन बना के रखा हुआ है घर पे, सुबह 8-8:30 बजे उठ जाता हूँ, जो मैंने आज तक कभी नहीं किया है। इतना जल्दी मैं कभी नहीं उठता हूँ, तुम लोग सबको पता ही होगा। कि बट अभी क्या डीएनडी है, लगा ही रहता है बाहर से कि कोई डिस्टर्ब ना कर दे। हाँ मेरा रूम का वो हमेशा का मैंने, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि रूटीन बना के रखा हुआ इसलिए क्योंकि छोटी भी हमारे साथ सोती है, तो उसका उठना, उसका खेलना, उसका कूदना, उसका सोना, उसके टाइम के हिसाब से सब उसके चलता है। हिसाब से सेट हो गया है सब। हाँ तो उसके हिसाब से सब चलता है, और वो टाइम पे सो जाती है, वो 9:30 बजे सो जाती है, 9-9:30 बजे के आसपास। फिर उसके बाद मैं और रितिका हम थोड़ा मूवी वूवी देखते हैं 2 घंटा, 11:30-12 बजे के आसपास मैं सो जाता हूँ, कभी 11 बजे कभी 11:30, तो और मैं 8 बजे उठ जाता हूँ, 8-8:30 बजे, और फिर उठ के सुबह हम खेलते हैं थोड़ा ये वो, फिर चार वैसे साढ़े सेम दोपहर रूटीन हो गया। दोपहर को यहाँ पे थोड़ा सा फिटनेस विटनेस कर लिया, फिर बस और कुछ नहीं। फिर शाम को अगेन उसके साथ हम यहाँ पे खेलते, फिर उसके बाद उसको खाना खिलाते, नहलाता हूँ उसको, ये सब सीख गया हूँ मैं भाई, एकदम सीख प्रो हो गया हूँ गए मैं। काम हाँ करना तो सब नहलाना सीख गए। हाँ उसको, नहलाना उसको, खाना खिलाना। मगर अच्छा है कि वो अभी उस एज में है ना कि अच्छे से टाइम पास कराएगी एकदम। एक ही चीज नहीं कर पा रहा हूँ उसके साथ, उसको सुला नहीं पा रहा हूँ मैं, बस वो मेरे साथ नहीं अच्छा सोती, वो माँ के साथ ही सोती है यार। वो बच्चे का रहता है कभी कभी पता है रहता है फील के हिसाब से उसके कि फील के बच्चे हिसाब को से, किस हाँ कंफर्टेबल किसके साथ रहता है, एकदम से वो एकदम सो जाएगी। अगर आपके साथ नहीं सोएगी तो वो एकदम नहीं सोएगी, फिर माँ के साथ सोएगी, वो वैसे सेट हो जाती है वो। कोई नहीं, बहुत लोगों ने सवाल किए हैं कि आप जब खेलते थे राहुल भाई के साथ, सचिन पाजी के साथ, सहवाग हाँ पाजी के साथ, तो जब आप आए थे तो आपको क्या फील होता था, या फिर आपको कैसा लगा जब आप फर्स्ट टाइम सबके फेस कर रहे थे? तो
यार मतलब मैं बहुत ही एकदम जितना अभी बात कर रहा हूँ ना उतना पहले नहीं बात करता था यार, डरा डरा हुआ रहता था हमेशा। और यार उस टाइम पे ना टीम में टीम का उस टाइम पे टीम का माहौल भी थोड़ा सा वैसे ही था, थोड़ा सा मतलब ज्यादा इतना खुल के कोई नहीं बात करता था। हाँ, क्योंकि मुझे जो लगता है अब जैसी टीम अभी है, जैसा माहौल अभी है, शायद कभी हुआ हो। नहीं ऐसा ऐसा तो इतना खुलापन नहीं हुआ है कभी अब जितना मैंने देखा है टीम को। बट जब भी हम आए थे, जब भी मैं आया था तभी यार मैं उम्र में भी फर्क था ना यार, मैं 19-20 साल का था। पाजी क्या पाजी का उम्र क्या था अभी? अरे पाजी बाप रे, होंगे अच्छे पाजी खासे, तो यार, 25 25 27। अरे कहाँ यार भाई, पाजी थे 33 के आसपास यार कुछ। मेरे से पाजी कितने साल बड़े भाई? 70, तो पाजी हाँ, का 47th बर्थडे था ना अभी, 33। अरे 14 साल बड़े यार, तो 34 के थे, 34 साल के थे जो मेरा उम्र क्योंकि अभी है 34 साल मतलब। डेब्यू के टाइम हाँ तो यार ये तो नहीं मतलब बनता, नहीं उम्र का भी होता। फर्क होता है ना, अभी हम सारे लड़के आसपास वाले ही है उम्र के तो चल जाता है, बट अभी ये ऋषभ पंत हो गए, फिर ये तुम्हारे ये क्या नाम है, और दो तीन तीन चार लोग है बंदर, उनको उनके और हमारे उम्र में फर्क तो है लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ वो दिन पंगे लेने वाली बात चल रही थी, चहल वाली, मैंने कि उसको नया शौक चढ़ाया काटने का। क्या काटने का? अरे शोल्डर में काट जाएगा, हाथ में काट जाएगा, कहीं भी काट जाता है यार चहल। और उसको पंगे लेने की आदत है, तो 3 4 दिन इनसे तो मुझे भी डर लगता है कि हाँ भाई। ये लोग है, बट एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, लड़कों को हाँ छूट मिलना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि कभी बाउंड्री क्रॉस करना है कभी नहीं, एक लाइन लक्ष्मण रेखा बनानी चाहिए जो अभी हमारे हाँ प्राइम हाँ मिनिस्टर ने बना के रखा हुआ है सबके ऊपर, तो वैसा लक्ष्मण रेखा बनाना चाहिए, उसके आगे आगे पीछे नहीं जाना चाहिए ज्यादा। बट मुझे जो लगता है अभी के जो लड़के हैं यंग हैं, हंसी मजाक ज्यादा करते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कुछ बोलो और ना माने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो मेरे हिसाब से मैं तो मैं यही मानता हूँ कि मुझे भी लगता था उस टाइम जब मैं डेब्यू किया था, तो सब आप लोग सभी बैठे थे जब मैं डेब्यू किया था, और टेस्ट तो हम लोग दोनों साथ डेब्यू किए थे, तो हाँ वो भी एक सवाल है बीच में। लेकिन जब मैं आया था, मैं मुझे भी ऐसे लगता है आ गया चहल आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो नहीं आए के हाँ, वो लिख रहा पास है और नेवर क्रॉसिंग माई लाइन। चहल। अरे लोगों को पता नहीं है होगा यार, चहल एक्चुअली चहल वो ये पंत और उनके ग्रुप वाला नहीं है वो, चहल साला होती कितना 29-30 साल का है चहल भाई उमर लिख के गया, रोहित भैया कह रहा रोहित भैया, रोहिता शर्मा वाली स्टोरी बताइए। चहल चुप कर यार, चुपचाप सो जा अभी। तो मैं ये बोल क्या रहा हूँ नाम है, चहल चहल की कि एज कितनी है? 27 28 29 का है भाई वो। 29। चलो, तो वही कह रहा था मैंने, हम लोगों का ग्रुप अच्छा है मेरे हिसाब से। अच्छा, हम लोग वो सवाल आया तो 29 कह रहा है, हम ओनली 29। हाँ वही तो सवाल वो आया था कि हम लोगों ने साथ में डेब्यू किया था टेस्ट मैच दोनों साथ में हाँ, डेब्यू किया था टेस्ट हमने, मैच जो कैलकाटा का टेस्ट मैच था। बहुत अनरियल डेब्यू था दोनों का, दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया उस गेम में। शमी ने तो यार मतलब रिवर्स स्विंग करके कमाल ही कर दिया था, मैं स्लिप में ही खड़ा था मुझे अभी भी याद है, इतना रिवर्स स्विंग। अभी तो लोगों ने अभी पिछले अभी हाल ही में ही देखा होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो हमने हाँ, वाइजैक में जो टेस्ट मैच जीता उनके खिलाफ, वहां पर जो आपने रिवर्स स्विंग किया वो मुझे उस दिन आपका डेब्यू का याद आ गया था भाई। अच्छा एक रिदम भी मिल गया था यार मुझे उसमें, कि फ्लिप में हम लगता लोग है ना बात कि कर रहे थे, मैं अज्जू और साहा हम लोग स्लिप में खड़े थे, हम बात कर रहे यही बात कर रहे थे कि सेम जो डेब्यू में तुमने बॉल किया था वैसे ही बॉल चल रहा था तुम्हारा उस दिन। क्या था। एक तो गर्मी बहुत था टेस्ट मैच, तो एक हम लोगों का मेरे हिसाब से जो हाँ एक एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है लोग के हम ऐसा परफॉर्म करें इंटरनेशनल जाके, तो वो बेस्ट था हाँ मेरे हिसाब से। डेब्यू के हिसाब से हम दोनों ने बहुत, जो मेरे हिसाब से लगता है कि वो बेस्ट था।
और अच्छा बॉल भी हुआ, अच्छा बहुत बैटिंग बहुत भी हुआ तुम्हारा, सारी तरफ से ठीक लगा। मुझे हाँ ऐसा लगा बैटिंग कि इससे बेस्ट मेरे लिए तो नहीं हो सकता, एज ए बॉलर, एज ए फास्ट बॉलर, ऐसी विकेट पे आप उससे अच्छा करने को कभी सोच भी नहीं सकते। हाँ हाँ, एज ए बैट्समैन यार तुम्हारे ऊपर तो नो डाउट, दुनिया जानती है कि ये अरे बंदा मेरा जिस छोड़ो दिन सभी भाई, तुम अपना बताओ ठीक है। अभी जो हाल ही में, अभी पिछले 2 सालों में लोग तुम्हारे फिटनेस की, तुम्हारे बॉलिंग की काफी बात कर रहे हैं, काफी चर्चा कर रहे हैं कि शमी ने अपना फिटनेस और इतना चेंज कर दिया है, शमी का बॉल हाथ से अलग ही निकल रहा है, और स्लिप में जब बॉल आता है या कीपर के पास जब बॉल जाता है तो ऐसे जोर से बॉल लगता है कीपर के ग्लव्स में। तो तुम लोगों को सुनना है यार ये बात कि तुमने क्या किया जो इतना इम्पैक्ट आपके बॉलिंग में आया है रिसेंटली, लास्ट पिछले 1-1.5-2 सालों में जो आपने बॉलिंग किया है, उसके लिए आप मतलब किसको क्रेडिट देना चाहोगे या क्या अलग आपने किया है उस समय? यार, जैसे 2015 में जब मैं वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुआ था, जब पता ही था किस कंडीशन में मैं खेला था वर्ल्ड कप, हाँ तो हाँ उसके बाद 18 महीने के आसपास लगे थे, और मुझे लग रहा है वो मेरी लाइफ का सबसे पेनफुल टाइम था, जो 2015 वर्ल्ड कप के बाद से जो मैंने फील किया। क्योंकि और एक ये एक और चीज, 2 साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी कुछ तुम्हारी पर्सनल लाइफ में काफी कुछ हुआ, फिर वहां से उस सिचुएशन में से बाहर आकर ऐसा परफॉर्मेंस करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि पर्सनल पर्सनल प्रॉब्लम्स जो रहते हैं वो वहां से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। तो मैं इसलिए ये पूछना चाहता हूँ और लोगों को तुम बताओ कि कैसे वो सिचुएशन आपने हैंडल किया और अपने माइंड को फ्रेश रखा और मेंटली स्ट्रांग बनाए रखा अपने दिमाग को, कि अगर उस टाइम पे अगर आपका दिमाग फिसल जाता तो आई थिंक आपके लिए मुश्किल होता खेलना। बहुत यार, क्योंकि 2015, वही बता रहा हूँ, 2015 के बाद जब मैं इंजर्ड हुआ था तो 18 महीने मुझे लगे थे मैच खेलने के लिए, जो मैंने लास्ट हाँ मैच खेला था, और फिर जब नेक्स्ट मैच खेला आफ्टर इंजरी, तो 18 महीने का पीरियड था उसके बीच में। एक तो वो बहुत स्ट्रेस देता था, क्योंकि रिहैब पता ही है कितना ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करता है, क्योंकि रिपीट, सेम रिपीट होती है एक्सरसाइज डेली, बहुत बिल्कुल बिल्कुल दिक्कतों का सामना था। फिर जब मैं मैच में आया, उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई थी कुछ दिन के हाँ बाद। अच्छा, वो चली रही थी, इतने एक्सीडेंट भी हुआ, तो हाँ यार वो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो और जस्ट आईपीएल से मुझे लग रहा है 10 या 12 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, हाँ और ये मीडिया का भी वो सबसे हाई पे चल रहा था फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके। तो बिल्कुल उस टाइम पे मुझे लगता है अगर मेरी फैमिली अगर मेरे साथ ना होती हाँ तो शायद कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, हो सकता है कि मतलब मैं अपनी क्रिकेट खो देता। मेरे दिमाग में तो आप यकीन करो, आप कोई माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में, अरे बाप रे, अरे यार ये उस तो लेवल का बहुत स्ट्रेस हो गया था दिमाग में बहुत ज्यादा। मतलब क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा था, मेरे घर, मेरे रूम के अंदर मेरे घर वाले पहरा लगा देते ये कुछ गलत ना कर ले, ये अरे बाप रे यार ये तो किसी को नहीं पता है यार। किसी को इसको, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल है कि क्या चीज मैंने झेली है, क्या मैंने उस टाइम पे मैंने कैसे पास किया अपना टाइम, तो मेरे घर वाले पहरा दे देते घर पे, मैं मुझे पता ही नहीं था मैं कब सो रहा हूँ कब जाग रहा हूँ। तो वो लोग, एक एक ना एक बंदा मेरे पास रहता था, क्योंकि 24 फ्लोर पे घर था ऊपर, कि इसको इसका पता नहीं बालकनी से जंप मार देगा, ये दिमाग में कई बार डिस्कस कर चुका है इस चीज को। हाँ तो बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा दिमाग में मैं कुछ आ ही नहीं रहा था, केवल यही घूम रहा था, लेकिन हाँ घर वाले हाँ समझाने में, भाई बहुत बड़ी चीज है कि घर वाले आपके साथ हो, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी पावर आपके पास है कोई। घर वाले यही समझाते थे, बोले देखो हर बिल्कुल प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है, हाँ हर परेशानी, हर आदमी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी आती है, बहुत बहुत बड़ी परेशानी आती है, गिव अप उसका सोल्यूशन नहीं है। गिव अप नहीं करना चाहिए भाई, सबको सीखना चाहिए ये बात। हाँ, तो घर वाले एक ही चीज कहते थे, गिव अप नहीं करना है आपको, हाँ आप जिस नाम को आज लोग जानते हैं, जिस वजह से लोग जानते हैं, आप उस पे फोकस कर लो, बिल्कुल जिसने तुम्हें बनाया है, जिस चीज ने तुम्हें यहां तक लाया है,
आप उसको मत भूलो, उसमें खो जाओ। तो बिल्कुल बिल्कुल सारी बिल्कुल चीजें छोड़कर मैं इतने हाई स्ट्रेस में मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं दिमाग को बांट रहा था वहां पे, नेट्स प्रैक्टिस कैसे, मतलब क्या किस चीज पे ज्यादा कर रहा फोकस था, करना। नेट्स कर रहा था, रनिंग कर रहा था। देहरादून में जब एक्सीडेंट हुआ था, अरे बाप रे, अच्छा, मैं फैमिली लेकर बिल्कुल देहरादून चला गया अभिमन्यु एकेडमी में। हाँ जबरदस्ती जाते थे वहां पे, भागना, प्रैक्टिस करना, कुछ ऐसा कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था मैं कर क्या रहा हूँ, इतना ज्यादा स्ट्रेस था। अच्छा लेकिन एक दिन जब प्रैक्टिस के बाद आया, बैठा घर में, तो वही अपना कभी भी सैड हो जाता था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। तो घर वाले बस वही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देख, दिमाग को डाइवर्ट कर दूसरी तरफ, तभी होगा, वरना मेंटल हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ये मतलब सारी चीजें चल रही थी वो बीच में। अच्छा तो भैया ने बहुत साथ दिया, हालांकि मेरे दो तीन दोस्त थे वो 24 घंटे मेरे साथ रहे, सबने हाँ बहुत अच्छा मेरे लिए, मतलब मैं कभी नहीं भूल सकता उन लोगों को जो मेरा साथ दिया इन लोगों ने। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं कुछ कर जाता, अरे और मैं बाप रे, आज मैं जो मैंने उस इंजरी के बाद जो मैंने किया है, जो मैंने फोकस डाला है अपने क्रिकेट के ऊपर, तो ये बड़े बहुत उसके अच्छा लोगों के लिए, ये हाँ बहुत अच्छा सीख है। जितने भी लोग यहाँ पर है अभी सुन रहे हैं, इनके लिए काफी मतलब सीखने वाली चीज है कि यार इतना जल्दी हार मत मानो, अपने आप को, अपने आप पे भरोसा रखो, फाइटिंग स्पिरिट रखो, क्योंकि पता नहीं क्या हो सकता है, कल को कुछ भी हो सकता है, वो फाइटिंग स्पिरिट आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगी अगर आपके पास जरूर स्पिरिट हो तो। यार। लेकिन उसके बाद मैंने जब डिसाइड किया है कि नहीं, अब जिस चीज ने बनाया वो ही बनाएगी मुझे, फिर उसके बाद मैंने अपना ट्रेनिंग का सेटअप किया। आपने देखा ही था पहले कि मेरा कोई टाइमिंग नहीं था किसी चीज का, कुछ नहीं था। हाँ अपने टीम में भी जब रहता था ट्रेनर बुलाते थे तब जाते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि खुद से जाओ या खुद से करो। लेकिन हाँ 2016 के 16, 17, 18, 19 और 20, हाँ ये ये 4 साल 5 साल जो लगाए हैं इंजरी के बाद, हाँ ये नेक्स्ट लेवल की। मैंने कभी जिंदगी में मैंने ट्रेनिंग वैसी भी नहीं की, उस टाइप की ट्रेनिंग मैंने नहीं की, क्योंकि ना कभी मैंने सोचा था। 2016 के बाद मेरे पास खुद का ग्राउंड, खुद का सेटअप, जो हमारे एनसीए में नहीं है वो मेरे पास है, आज तक अरे किसी को वाह, नहीं पता है। अरे बाप रे, अच्छा वेरी गुड। जितना बड़ा बैंगलोर ग्राउंड है और एनसी है, उससे बड़ा ग्राउंड मैंने अपने लिए छोड़ रखा है अकेले के लिए। क्या बात है भाई, जब मैं आता हूँ तो मैं ट्रेनिंग करता हूँ यहाँ पर, बस दोनों भाई करते हैं। वो ग्राउंड की साफ सफाई करवाओ, वहां पे शायद आईपीएल का मैच होगा अक्टूबर में, लग तो ऐसे ही उसकी रहा है फिर। जरूरत नहीं है भाई, उसकी जरूरत नहीं है, बस केवल अगर ट्रेनिंग के लिए मैच है। लेकिन बस ये है कि ट्रेनिंग हो जाती है। अभी पता नहीं हमारा कौन सा क्रिकेट होगा, आईपीएल होगा या वर्ल्ड कप होगा या क्या होगा, भगवान जाने, किसी को कुछ नहीं पता। जो भी क्रिकेट हो, फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि क्लोज डोर पे ही होगा, बंद हाँ दरवाजे बिल्कुल, के पे होगा। तो वो यार कैसे मैनेज करोगे, मतलब कैसा उसके बारे में सोचा है कुछ ऐसे, मतलब कि कुछ असर पड़ेगा तुम्हारे क्रिकेट पे या कुछ ऐसा कुछ सोचा है तुमने? यार देखो, अब हम लोग अगर देखें इस चीज को तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कंडीशन वैसी है कि हम लोग ना तो जा पा रहे हैं ना आ पा रहे हैं, हाँ ना कुछ कर पा रहे हैं, ना ट्रेनिंग है ना कहीं कोई ट्रैवल है। अगर हमें थोड़ा सा भी ट्रैवल मिलता है तो हम लोग घर की बजाय हम बैंगलोर शिफ्ट हो जाते कि हमें ट्रेनिंग मिल जाएगी अंदर, वैसा भी हाँ कर लेते तो भी बेटर था हमारे लिए। लेकिन हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि हम कहीं नहीं जा सकते, तो हम ज्यादा लंबा ना सोचकर, मेरे हिसाब से जो जो मेरी तरफ मैं सोचता हूँ कि बेस्ट वे यही है कि आप जब तक आपका लॉकडाउन नहीं खुल रहा है, अब जैसे मेरे पास है फैसिलिटी, हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे घर में खुद की चीजें हैं, हाँ तो जितना भी स्ट्रांग, जितना भी पावर, जितना भी ट्रेनिंग कर सकते हो वो कर लो। फॉर्मेट कोई भी हो, फॉर्मेट कोई भी होगा, हमें 10 से 15 दिन तो मिलेंगे। अरे ज्यादा मिलना चाहिए भाई, 10-15 दिन में नहीं, कैसे यार, 15 जनरली बोल रहा हूँ 15 दिन तो मिलेंगे। दिन तो मिनिमम है भाई। हाँ, तो मेरा मानना यह है, उस चीज को ना सोचकर हम लोगों को अपनी एक्टिविटी पे सोचना चाहिए, हम लोग कैसे अपने आप को यूज टू कर सकते हैं। मुश्किल है जरूर के, हाँ डिफिकल्ट है सबके लिए, हर आदमी हाँ परेशान है, हर आदमी के पास स्पेस नहीं है, लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि फॉर्मेट कोई भी आ जाए,
अगर मैं टीम में हूँ तो मेरी वजह से कभी टीम में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये इतने दिन के बाद आया है या लॉकडाउन था उसमें इसको झटका लगा है। तो मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि जिस रिदम पे मैं छूटा हूँ, जिस रिदम पे मेरा लॉकडाउन यहाँ पे हुआ है, वही रिदम में दोबारा पास हूँ। जैसे अच्छा आपको ऐसे जैसे ट्रेनिंग की वीडियोस मिल रही हैं देखने, मैं डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और देसी वाले कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हाई कट उतना हाई लेवल वाली मेरे पास मशीन ही नहीं है। तो मैं कोशिश जो कोशिश है मेरी वही है कि जो भी फैसिलिटी है मैं उसको यूज़ कर लूँ। अच्छा हाँ, अरे हाई लेवल का फैसिलिटी फिलहाल किसी के पास भी नहीं है। अरे चहल, तो जा, तेरे को बोला मैंने, तो जा चुपचाप, कुछ भी लिखे जा रहा है। बहुत लॉकडाउन में सारी चीजें सबसे ज्यादा परेशानी उसको ही हो रहा होगा यार। कोई नहीं मिल रहा ना उसको, कोई वो नहीं, देखो अभी भी उंगली कर रहा उसको है, बाहर अभी जाना भी पसंद है। मैसेज पे मैसेज डाल रहा है वो। हाँ, एक और ये चीज पूछना चाहूंगा शमी, कि फिलहाल हमारा जो टीम का परफॉर्मेंस रहा है पिछले 1.5-2 सालों में, टेस्ट मैच में, वनडे में, T20 में, मुझे तो, अरे अभी मैं, मतलब मुझे पता है कि हमने क्या अच्छा किया है, बट कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें थे जहां पे हमने अच्छा नहीं किया, इसलिए हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। दूसरी चीज, कुछ कुछ जगह पे हम सीरीज जीत नहीं पाए, जैसे इंग्लैंड में, वैसे जगह पे वो सब, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब आप कैसे सोचते हो ये सब चीज? हम ऑस्ट्रेलिया में जीते, बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छे तरीके से जीते हमने, हमने मेहनत किया, भले उनके पास ये और वो प्लेयर नहीं थे, बट फिर जो भी भी हमको है जीतना था, उधर जाके जीतना था, वहां पर जाकर उनके बॉलिंग अटैक को खेलना था। वो उनकी बॉलिंग अटैक तो सेम ही थी, हमारे बैट्समैनों ने अच्छा बैटिंग किया वहां पे, बट बहुत। मैं ये सोच रहा हूँ कि जहां पे हम नहीं जीत पाए, उस वहां पर हमें जीतना है, और उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे हम वर्ल्ड कप जो हमारे हाथ से चला गया, फिर अपना क्या बोलते हैं, इंग्लैंड में हम अच्छा नहीं कर पाए, टेस्ट मैच साउथ में भी, अफ्रीका और कर गए। वनडे सीरीज भी हारे हम वहां पर शायद। साउथ हाँ, अफ्रीका रह साउथ गया हमारा। बहुत अफ्रीका टेस्ट सीरीज हार गए वहां पे, एक्चुअली हम वो जीत सकते थे, बड़ा क्लोज था यार स्कोर, वो। बड़ा क्लोज था वो। हम अगर यार, हमारे, हम मतलब बैट्समैन ने वहां पर वो कर दिया ना यार। पता है क्या हमारे अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारी टीम का जो मैं फील करता हूँ, अब जैसे आप हो मैं हूँ या कोई भी है अभी टीम का कोई भी मेंबर है, इवन विराट को भी, अगर हमें किसी को कुछ बोलना है तो हम डायरेक्टली बोलते हैं कि हम बैटिंग ऐसा कर सकते थे, हम बॉलिंग ऐसा कर सकते हाँ थे। इतने एक दूसरे से फ्रैंक है, इतने अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को कि कोई दिक्कत नहीं होती एक दूसरे में कहने के लिए कि हम ये कर सकते हैं या ये कर सकते थे। हम थे से पहले घुस जाते हैं उसमें कि बात का नहीं सोचना है, हम ये करेंगे। हाँ बिल्कुल तो ये चीज बहुत अच्छी है। और जहां तक साउथ अफ्रीका का हम लोगों का, जो मेरे ख्याल से हम लोगों ने बैटिंग में बहुत जल्दबाजी कर दी, शायद 2 या 3 बार तो हम लोगों ने साथ में बैटिंग की है बहुत जल्दी। याद है मुझे यार, वो उधर शायद हाँ तो सेंचुरियन में। हाँ हाँ तो 2-3 बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत जल्दी हम लोगों का नंबर आ गया। लेकिन मेरे हिसाब से हम लोग जैसे वहां पे हम लोग फ्लैंडर को सरवाइव कर गए उसको, हाँ क्योंकि हम लोगों को आदत है कितनी भी तेज फेंको हमारे बैट्समैन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो हल्के वाले बॉलर थे, जो मीडियम वाले बॉलर थे, उन्होंने हमें दिक्कत में डाला है हर जगह। हाँ बिल्कुल, स्विंग बॉलर। हाँ जो ऊपर से स्विंग कराने वाले थे। तो मेरे हिसाब से जो हम लोग बात किए थे, कई बार इस बारे में बात भी हुई कि हम लोग फॉरवर्ड नहीं खेलेंगे, थोड़ा सा वेट करके खेलेंगे, लेकिन हम लोग हाँ नहीं कर पाए। टेक्निकल थोड़ा सा वो गलत हो हाँ गया। थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल नहीं गए उसके ऊपर जो हमें जरूरत थी। नो डाउट बॉलिंग हम लोगों का बहुत अच्छा हुआ क्योंकि टेस्ट मैच को डिफेंड तो करने तुम्हें के लिए लगता कुछ। है, तुम्हें ऐसा लगता है कि जब ये ऐसा टूर आता है, हमको 15-20 दिन पहले जाना चाहिए, किसी भी हालत में, कुछ भी हो, चाहे जो मैं तो भी हो, बहुत हमें एग्री हूँ उस साउथ चीज के अफ्रीका। लिए कि 2 हफ्ते कम से कम देने चाहिए टीम को वहां पे यूज्ड टू होने के लिए, और आपको हाँ पूरी
हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है जब ज्यादा गर्मी होती है, जैसे कि प्रैक्टिस मैच दे देते हैं बीच में, मैं ज्यादा प्रैक्टिस मैच का ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ, मैं ओपन नेट एक्चुअली ज्यादा मैं पसंद भी करता हूँ। उससे ज्यादा हम मैं भी यही पसंद करता हूँ कि ओपन नेट मिले, वहां पे हाँ, पूरा एक बार दिन हम लोगों सुबह ने, से तुम्हें लेके, याद होगा, साउथ अफ्रीका में शायद हम लोगों ने 1-1.5 हफ्ता पहले जाके हम लोगों ने ओपन नेट्स किया। वो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस था एक्चुअली। वैसा ही प्रैक्टिस हमें करना चाहिए जहाँ पे 5 बॉलर लोग को बुलाया गया था बाहर से, और हाँ, तुम 4 बॉलर थे, 4 या 5 बॉलर। कंप्लीट पैकेज था, नेट बॉलर्स की जरूरत नहीं थी, अच्छे बॉलर्स हमारे खुद के थे। और हाँ बिल्कुल, आई थिंक हमें ना अगर ये सब जगह पे अगर सीरीज जीतनी है ना तो हमको ऐसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा वैसे ही करना भी इंग्लैंड। चाहिए। और दूसरी चीज ये है, बेनिफिट मिलेगा हमें, जो हमारी बेंच वाली जो स्ट्रेंथ है वो और मजबूत हो जाएगी, एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, उनको कंडीशन के बारे में ज्यादा पता चलेगा। हाँ बात, या हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वैसे भी सोचता हूँ, रहा इंग्लैंड का सवाल, हाँ नहीं नहीं बताओ। इंग्लैंड वाला जो हम लोग बहुत क्लोज मैच आ रहे हैं, हम 20 रन 30 रन वाले मैच आ रहे हैं, वहां भी हमारा सेम वो हुआ, सेम गलती हम लोगों ने रिपीट की है। हाँ बहुत अच्छे हम लोगों ने मैचेस रोक के रखे थे, लेकिन वही वही सेम सेम जगह पे हम लोग लग गए कि हम लोग टेक्निकली शायद हम लोग वहां पे मिस हुए हैं। क्या मानना है आपका? तो थोड़ा थोड़ा सा, हाँ मैं तो इंग्लैंड के टूर पे था नहीं, तो मैं घर पे बैठ के देख रहा था कुछ कुछ मैचेस। मुझे भी ऐसे ही लगा कि यार वो एक दो जो क्रुशल मोमेंट्स थे गेम के वो हमारे हाथ से चले गए और उन्होंने पकड़ लिया हमें हाँ, वहां पर। वही जो मेन पॉइंट, जो मेन टाइम था, वहां पे हम लोग लैग कर गए और वो लोग कैश कर गए। हाँ बट आई थिंक हमारे पास टीम अच्छी है, हमारे पास लड़के अच्छे हैं, हम जीत सकते हैं बाहर भी जाके। हमें बस थोड़ा कुछ कुछ जो छोटी छोटी चीजें उस पर ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा प्रिपरेशन अच्छा करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। और जहाँ, हाँ, मुझे जो लगता है कि हमारा जो टीम है और हमारा जो टीम का कॉन्फिडेंस है और जो एक दूसरे से बात करने का तरीका है, वो मुझे लगता है किसी टीम के पास नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन, कोई भी बॉलर हमें चैलेंज कर सकता है या हमारी टीम को चैलेंज कर सकता है। ए, हमारे पास भी अभी बॉलर है ना, अगर तुम अच्छा विकेट दोगे तो हमारे बॉलर्स भी आउट करेंगे तुम्हें, ऐसा नहीं है कि नहीं सेम करेंगे। सेम ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है, हम लोग हाँ कैसे सीरीज जीते, वो चारों तरफ से फंसे हुए थे, क्योंकि हाँ वो ना तो ग्रीन टॉप दे सकते थे ना टर्नर दे सकते थे, तो हाँ वो सोचने पर मजबूर थे हम देंगे क्या। तो हमारे पास वो पैकेज है, बैटिंग लो आप, फील्डिंग लो, बॉलिंग लो, कोई भी डिपार्टमेंट लो, हमारे पास फुल पैकेज है, कोई ऑप्शन नहीं है, बस हमें जरूरत है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए और अच्छे से हम लोग कॉन्फिडेंस, तो नो डाउट कि हाँ, किसी में ऐसा कोई ऐसा है जो सोचता होगा कि मुझे वो कंडीशन चैलेंज की होगी हमारे लिए। तुम्हारे 5 मुझे बेस्ट बॉलर बताओ भाई। पांच बेस्ट फास्ट बॉलर, हाँ इंडिया के बताओ पहले। हाँ सबसे ज्यादा जो मेरे ज्यादातर लेफ्टी बॉलर ज्यादा पसंद रहे हैं, आशीष भाई को था, नेहरा भाई, जहीर भाई थे, श्री भाई थे, इन तीन को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता था। अच्छा इरफान इरफान भाई और आरपी, इनमें से पांच में से चार लेफ्टी हैं हाँ हमेशा। हमारे पास, क्योंकि यार मुझे पता ऐसा नहीं है, हालांकि मैं राइट हूँ, मेरे अपोजिट हैं दोनों सारे के हाँ सारे ज्यादातर, लेकिन मुझे पेस के साथ जो स्विंग होता है बॉल, जो सीम करता है, स्विंग होता है, उसमें ज्यादा मजा आता था। तो मैं कुछ हाँ कुछ नहीं देखता था, मैं ये देखता था तेज कौन डाल रहा है और किसका बॉल स्विंग हो रहा है शुरू से। आरपी का बॉल बहुत अच्छा स्विंग भाई हो रहा था। क्लास चलता था आरपी भाई का बॉल, मुझे पता, मैं शुरू में जब देखता था तो क्लास यार। और जहीर भाई के साथ तो मैं लास्ट भी खेला हूँ, आशीष भाई के साथ नहीं खेल पाया, आशीष भाई के साथ नहीं खेला। जैक और आशीष दोनों यार बहुत तेज थे यार।